दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। एसी नगर में चाकू चले हैं और एक युवक के गले में काफ़ी चोट आई है। फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं पहले लड़के की फ़ोटो दिखाऊंगा। कैमरामैन ये फ़ोटो दिखाइए। ये लड़के की फ़ोटो है जिसका नाम हर्ष है, जिसके गले में चाकू लगा है। आप लोग देख रहे हैं हर्ष की फ़ोटो है और फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती है, कह रहे हैं आईसीयू में है। अभी पता करते हैं चाकू किसने मारा। वैसे तो हमने टाइटल में लिख दिया है विनोद जो कसाई का काम करता है, उसने कसाई वाला चाकू चला दिया उसके गले पर, ऐसी सूचना मिली है। बाकी इन लोगों से जानकारी लेते हैं। यहाँ पर इनके परिवार के लोग हैं। भाई कौन है, घर का कौन है, थोड़ा सा बात कराइए। हाँ भैया, घर का कौन है? हाँ नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है जी। पता चला चाकू चला इसी नगर में, किसको चोट आई है? मेरे लड़के को चोट आई है। क्या नाम है? हर्ष। किसने मारा? ये जो सूरज योगेश और क्या नाम है, विनोद। विनोद, सूरज, योगेश, क्या करते हैं ये लोग? ये वैसे विनोद तो कट्टे का काम करता, बकरे वकरे काटता और कसाई का काम करता है। कसाई खटी की है, कसाई काम। और जिस चाकू से मारा था वो भी क्या कसाई वाला चाकू है, बकरे काटने वाला? हाँ वो इतनी सी चाकू है, लंबी सी, वो पुलिस वाले को दिखा दे देती दे दी है, बरामद कर ली, पुलिस वाले को रात दे देती। तो कहाँ पर चाकू लगा, ये कारण क्या हुआ जी? इनकी जो चाकू कहाँ पर लगा है? मेरे घर के सामने। हर्ष को कहाँ पर चोट लगी? यहाँ लगी। अच्छा, कैसी हालत है उसकी? अभी गंभीर है, आईसीयू में है जी, ऑपरेशन के लिए जाएगा। अच्छा, अब क्या वारदात हुई, कोई लड़ाई झगड़ा था पहले से? नहीं, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी। हमारा क्या है, ये आपस में कल लड़ रहे थे। अब लड़ रहे थे, वो जो जिनसे जिनकी लड़ाई हुई थी वो तो गए भग। अब गली में जब हल्ला हुल्ला मचता तो सभी निकल कर बाहर आ जाते हैं। ऐसे हम भी आगे बाहर निकल के, मैं थोड़ा आगे चला गया, मेरे लड़का दरवाजे में खड़ा रहेगा, उसकी मम्मी भी साथ में ही। अब ये आए यार, सीधा लड़के पे जाके हमला बोल दिया उन्होंने। लड़के पे पहले तो रैपटे वूटे बजाए, फिर एक ने जा छुरी ले रखी, छुरी चक्कू चला दिया इसने, सूरज ने और योगेश ने हाथ पकड़ा और चाकू उसके पास था, विनोद के पास था। अच्छा, सूरज और योगेश ने हाथ पकड़ लिया और विनोद ने चाकू चला दिया। अच्छा। अभी हर्ष क्या काम करता है? हर्ष स्कूल में जाता है जी। कौन सी क्लास में? आठवीं क्लास में। अच्छा, तो पहले से कोई रंजिश नहीं थी? बातों बातों में बात बिगड़ गई, मार दिया चाकू। हाँ, हमारी तो कोई किसी से लड़ाई भी नहीं है और ना उनसे आज तक हमारी कोई लड़ाई हुई। ये तो बस कल लड़ाई दूसरे ने की थी, लड़का हमारा पहले। तो पुलिस आई थी आपके घर? पुलिस आई तो जी, रात को भी आई पुलिस, हम कंप्लेंट करने गए थे पुलिस में, मगर रात भी कोई सुनवाई ना हुई। पुलिस अब भी आई, कह रहा जी हम चिंता मत करो ना पकड़ेंगे, मगर अभी तक तो मेरे को लगाना है ना किसको पकड़ के। बरामद कर लिया है? हाँ, पुलिस ने चाकू। अच्छा, चाकू तो बरामद कर लिया जी। तो बयान लिया नहीं अभी बच्चे का? हाँ बयान ले लिया, रात ही ले लिया बच्चे का। पकड़ा नहीं आपको? हाँ, बस वो डॉक्टर कह रहा था कि बयान जो है ना जी नाबालिग है, इसके बयान चलेंगे नहीं। मेरे बयान लिए, फिर उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई, मेरे से लिखवाई उन्होंने। आज भी आया सुबह पुलिस वाला, वो लिख कर लेगा। तो क्या ये लोग पहले भी ऐसी वारदात कर चुके हैं जिन्होंने चाकू चलाया? नहीं, तो लड़ते रहते हैं जी, इनका काम ही है। इनका काम ही है, इनका तो लड़ने का रोज आए ना किसी से, लड़ते ही रहते हैं। तो परेशान है आप सभी लोग आए इनसे? हाँ जी, परेशान है आप लोग। सूरज जो है ना, सूरज जो है ना, ये रहता सीमा तिरखा के पास। किसी नेता का नाम मत लीजिए जब तक कि कोई सबूत। हेल्पर करता है तो हमें सरेआम पता है, धमकी देता है जी सीमा तिरखा की, हमें पता है सीमा तिरखा धमकी देता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमें सब पता है ना, किस्म के इंसान है वो। चलो नेता लोग ध्यान दें, नेता लोग ध्यान दें, अगर आपके पास ऐसे गुंडा तत्व काम कर रहे हैं तो इनको निकाल दें। सही बात है? हाँ जी, इनको भगा दें आप, नहीं तो आपका नाम भी ये लोग बदनाम करते हैं। इनकी मदद ना की जाए, सरेआम धमकी देता हूँ तो। अच्छा। कि मैं वहाँ काम करता हूँ। हाँ। चलो उनका इलाज हो जाएगा, नेता जी जरूर कार्रवाई करेंगे। समाज के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा। अच्छा, और गाली गलौज, लड़ाई बात नहीं। पुलिस से मांग क्या है, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ भैया, कार्रवाई होनी चाहिए जी, पकड़े जाने चाहिए। अच्छा, पकड़े जाने, ठीक है। देखिए चाकू लगा है और किस्मत रही है कि मतलब वो जिंदा है अभी, वरना तो उसकी जान जा सकती थी। हाँ भैया, बिल्कुल जी, जान जा सकती थी, क्योंकि गले में चाकू लगा है, मैंने भी कट देखा है। अगर थोड़ा सा और घाव बढ़ जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, लेकिन उसको समय पर फोर्टिस हॉस्पिटल ले आए, क्योंकि बगल में ही
फोर्टिस हॉस्पिटल है, तो समय से फोर्टिस हॉस्पिटल ले आए, उसको एडमिट किया है और वो आईसीयू में है, अभी उसका ऑपरेशन होने वाला है इनका कहना है, और उसके बाद उसकी हालत में जो भी सुधार आएगा आपको अपडेट देंगे, और पुलिस इस मामले में जो भी कार्रवाई करेगी, हमारा कहने का मतलब पुलिस अभी कह रहे हैं कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, बगल में ही ऐसी नगर है, मेरे ख्याल से कोतवाली पुलिस थाने के सामने ही ऐसी नगर है, पुलिस वाला वो आके ये कहता है उसको कल नोटिस देंगे वहाँ, उसके घर में वो सील लगानी है, कंपनी बंद करनी है, जो नोटिस देना, कोई नहीं हो रही सुनवाई अभी। तो आप लोग देख रहे हैं दूसरी चाकू की वारदात है, कल मैंने ग्रेटर फरीदाबाद में दिखाया था, वहाँ पर भी आरोपी पकड़े नहीं गए थे, और ये दूसरी वारदात है, आरोपी पकड़े नहीं गए जबकि तुरंत उसको पकड़ना चाहिए था। अब पता नहीं पुलिस ऐसे मामलों को सीरियसली क्यों नहीं ले रही है, समझ में से बाहर है, अगर ऐसे अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, तो ये चाकू मारना छोड़ देंगे, लेकिन अगर पुलिस ढीली कार्रवाई करेगी, इग्नोर करेगी, इस मामले को सीरियसली नहीं लेगी, तो ऐसे ही चाकू चलते रहेंगे और फरीदाबाद में अपराध भी बढ़ता ही रहेगा। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, कोतवाली पुलिस थाने के सामने ही ऐसी नगर पड़ता है, बिल्कुल 200 मीटर दूर होगा मेरे ख्याल से, 200 मीटर दूर होगा, उसके बावजूद भी अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए, बस यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।